अब जी कनाडा और यूएसए में पेट्रोल पंप्स भी इंडिया के मुकाबले काफी डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला तो लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे पेट्रोल गैस खुद भरना पड़ता है, अब क्रेडिट कार्ड से मशीन में पेमेंट करते हैं और अपने हाथ से भरते हैं। ऐसे ही हवा जहाँ भरवानी है उसकी भी मशीन होती है, जिसके अंदर आप एक या दो डॉलर का सिक्का डालते हैं तो वो कुछ मिनटों के लिए चलती है। और दूसरी जो इनकी मेन कमाई होती है वो होती है ऑटोमेटिक कार वॉश, जिसके अंदर गाड़ियां जाती है और पूरी तरह धुल के दूसरी तरह से बाहर निकलती है। और कई गाड़ी आपने अंदर से ड्राई क्लीन करनी हो तो ऐसे यहाँ पे वैक्यूम पंप लगे होते हैं, जिसके अंदर आप सिक्का डालो तो हवा खींचते हैं, गाड़ी आप वैक्यूम से साफ कर लो। और हर गैस स्टेशन का यहाँ पे जो प्राइस होता है वो अलग होता है और सामने ऐसे बोर्ड पे प्रिंटेड होता है। और क्योंकि तेल की कमीशन में कमाई लिमिटेड ही होती है तो इसलिए इनका मेन कमाई का जो जरिया होता है वो हर पेट्रोल पंप पे एक ऐसी कन्वीनियंस स्टोर होता है, जिसके अंदर आइटम जो है नॉर्मल ग्रोसरी के मुकाबले महंगी मिलती है, तो इनकी कमाई उसी से होती है। और यहाँ पे पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल को गैसोलीन या गैस इन शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं तो इसलिए आप चार्जिंग स्टेशन पीछे देख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।